गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। और मैं आपसे हर बार की तरह इस बार भी बोलूंगा कि आपका नंबर आएगा तो आप वैक्सीन लगवाइएगा, और जो है कोरोना को लेकर प्रॉपर प्रिकॉशन रखिए। आप मास्क का इस्तेमाल कीजिए, बाहर जाते समय डबल मास्किंग कीजिए, क्योंकि हमें कोरोना से जीतना है यार। अब 2019 वाले जो नॉर्मल डेज थे ना, वही सबसे इंपॉर्टेंट डेज लगते हैं। मतलब कि आप घूम पा रहे थे, कहीं जा पा रहे थे, फंक्शन में शामिल हो पा रहे थे आपके। दूसरी बात यह है कि एक मन में जो डर की भावना है वो तो कम से कम नहीं थी ना। हम लोगों को लगता था नहीं, हम सब बढ़िया है, सब अपने आसपास बढ़िया है, कभी कोई इस तरीके। अब तो क्या होता है, अब तो ये है कि कोई बीमार हो गया, जुकाम हो गया, वही सीरियस कंडीशन लगने लगती है। मतलब धीमे धीमे ये जो बीमारी इतना लंबा एपिडेमिक चलता है, तो आपको बता दूं मैं, इसके मनोवैज्ञानिक असर भी बहुत सारे छूट जाते हैं इनके। मतलब मैं इतना जानता हूं कि ये जो दिन गुजरे हैं और ये चल रहे हैं, ये इतने आसान दिन नहीं है। मैंने भी देखा कि कई परिवारों में जो है वो रोजगार को लेकर बहुत इश्यू हुआ, कई परिवारों में आपसी झगड़े भी बढ़ गए, क्योंकि सब फैमिली साथ में है, कई लोगों का काम छूट गया है। तो बहुत चीजें, मतलब ऐसा नहीं कि बीमारी केवल बीमार करती, बीमारी शरीर को बीमार करने के अलावा वो समाज को भी बीमार करती है। और तो मेरा वही मानना है कि हम थोड़ा प्रिकॉशन बरतेंगे, सावधानी बरतेंगे, और हम जो है वो बीमारी का अस्तित्व को मानकर हम जो है वो अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश करेंगे। यानी हमें कोरोना के एग्जिस्टेंस को स्वीकार कर अपने एग्जिस्टेंस को बचाने की कोशिश करना है, तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। ठीक है, चलिए। तो ये तो हो गया कोरोना बुलेटिन और उसका दिशा निर्देश, जो मैं बहुत दिनों से बता रहा हूं। मैं हर बार यही बोलता हूं, भैया ऐसा है कि विज्ञान थोड़ा बहुत पढ़ के समझ जाना चाहिए आदमी को कि भैया हाँ वायरस होता है और इससे हमको बचकर रहना है। अभी हाल ही में किसी ने मेरा ध्यान खींचा एक बड़ी कंट्रोवर्सी के ऊपर, और मैं आज उस पर बात करूंगा। वो है कि बिहार के जो है वो एक टीचर हैं खान सर, बड़े पॉपुलर टीचर हैं। मतलब मैंने खान सर का जो है, आपको बता दूं, मैं खान सर का मैंने एक वीडियो, मैं जनरली यूट्यूब पे कुछ ज्यादा देखता नहीं हूं, आपको बता दूं। मटके यूट्यूब पर मैं क्या देखता हूं कि मेरे चैनल में कौन सा वीडियो कब रिलीज हुआ। ठीक है, ठीक, कोई स्पेसिफिक मेरा वीडियो हो उस पर एक बार स्क्रॉल डाउन करके कमेंट देख लेता हूं। बाकी यूट्यूब पर आपको लगता हो कितने सर दिन भर यूट्यूब बैठ के देखते होंगे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, मेरा 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 काम है यूट्यूब को फीड दे देना। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पे आता हूं, अपना रिकॉर्ड करता हूं, अपलोड कर देता हूं, उसके बाद उसमें हाँ भाई ये अपलोड हो गया, प्रॉपर अपलोड हो गया है। ठीक, कोई स्पेसिफिक कमेंट तो नहीं है, कोई किसी को कोई इश्यू तो नहीं है इस पर, वो एक बार देख लेते हैं। अदरवाइज इसके अलावा दूसरा कोई यूट्यूब चैनल मैं देखता ही नहीं। तो आज के 3 वीक पहले मैंने जो है खान सर का एक वीडियो मैंने देखा था, जिसमें वो इसराइल और फिलिस्तीन की कंपैरिजन को बता रहे थे कि क्या इसराइल और फिलिस्तीन का मैटर क्या है। 2 वीक या 3 वीक पहले की बात होगी है। और आपको एक बात क्लियर कर दूं, खान सर मुझसे छोटे हैं उम्र में, तो उन्होंने इतने अच्छे तरीके से जो है वो इसराइल और फिलिस्तीन के पूरे इशू को एक्सप्लेन किया कि मैं जब यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, तब मैं है ना कुछ एक समय में है ना, जब मेरा मेंस का एग्जाम होने वाला था, उसके ठीक पहले मैं ना एक जगह पे कुछ दिनों के लिए क्लासेस चलती थी, यहाँ पे जिसको बोल सकते हैं एक सॉर्ट ऑफ क्रैश कोर्स था। तो एक वहां के बड़े भारी प्रोफेसर हैं, के सिद्धार्थ, ज्योग्राफी के लीजेंड है वो, उनके यहां मैं गया। तो वहां पे जो है कुछ जीएस की क्लासेस भी उन्होंने अरेंज की, उसमें इस तरह के मदद, उस समय पता नहीं उस समय भी कोई विवाद था इस तरह का, ये बात है 2005 या 2006 की बात है, तो कुछ विवाद चल रहा होगा। तो उस समय उन्होंने इसराइल और फिलिस्तीन के मैटर को एक्सप्लेन करने के लिए किसी डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट व्यक्ति को बुलाया, और आपको बता दूं मैं कि उन्होंने जैसे एक्सप्लेन किया ना, तो ऐसा लगा कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो है ना। ठीक है, लेकिन खान सर ने जिस सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया, वो तरीका ऐसा था कि इसमें कि पूरी बात समझ में कि एक्चुअली में हुआ क्या। और ये और खान सर ने जब एक्सप्लेन किया ना, तो उन्होंने ना इसराइल का पक्ष लिया उन्होंने, ना फिलिस्तीन का पक्ष लिया उन्होंने, उन्होंने एक न्यूट्रल वे में पूरा कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया। तब से मैं खान सर का फैन हो गया यार, ये बंदा जो है ये जीएस का जो है वो हीरा है, डायमंड है। अभी हाल ही में उनके नाम पर कंट्रोवर्सी शुरू हुआ कि भाई खान साहब का रिलीजन कुछ और है। अरे मैं कहता हूं, जो गुरु का धर्म देखेगा ना, गुरु की जात देखेगा, जो गुरु का धर्म देखेगा, गुरु की कास्ट देखेगा, गुरु का जेंडर देखेगा, वो विद्यार्थी जिंदगी में कहीं नहीं पहुंच सकता है। मैं इतना मानता हूं कि जो खान सर के फॉलोअर बच्चे होंगे, जो बच्चे देख रहे होंगे उनको, उन बच्चों ने तो कभी सोचा भी नहीं होगा इस बारे में कि वो खान सर है। अरे वो हिंदुस्तानी है भाई, वो इंडियन है, वो ऐसा इंडियन है जिसके वीडियो को पूरे आसपास की कंट्री के लोग भी देखते हैं, ऐसा इंडियन है जिसको जो है लोग जो है पाकिस्तान के अंदर भी, जो है नेपाल के अंदर भी, बांग्लादेश के अंदर भी, श्रीलंका के अंदर, कहीं जहां जहां भी लोग समझ सकते हैं उनकी भाषा को, वहां लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं।
और यदि कोई व्यक्ति जो है उनको टारगेट कर रहा है, मतलब गुरु को टारगेट कर रहा है, और तो मतलब ये गलत है। क्योंकि याद रखना है, जिस देश में गुरु का सम्मान नहीं होगा, शिक्षक का सम्मान नहीं होगा ना, उस देश की शिक्षा में अवरोध आएंगे, उस देश में तरक्की नहीं हो पाएगी। तरक्की का पहला सीढ़ी है सही शिक्षा को प्राप्त करना। खान सर एक प्रकार से जो है वो समझ लीजिए दीपक हैं, और के एक तरीके से जो है वो उजियारा फैलाने वाले दीपक हैं। तो ऐसे दीपक पर प्रश्न उठाना, ये दीपक का जो है उसका धर्म क्या है, इस व्यक्ति का धर्म क्या है, ये व्यक्ति क्या है, इसकी असलियत क्या है, अरे क्या मतलब हमको, क्या असलियत, हमें नहीं मतलब पढ़ना। हमें इतना पता है कि यदि खान सर जो है वो किसी भी धर्म के होते और ये व्यक्ति वही होते तो उनका खून रक्त लाल होता, उनका उनके वह नाक नाक की जगह पर होती, आंख आंख की जगह पर होती, वैसे ही इंसान होते और ऐसे ही पढ़ा रहे होते। हमें कोई मतलब नहीं कि खान सर क्या है, हमें बिल्कुल मतलब नहीं है। हमें मतलब यह है कि खान सर करते क्या है, खान सर से कितने लोग प्रभावित होते हैं, खान सर कितना इन्फ्लुएंशियल पढ़ाते हैं, कितना अच्छा पढ़ाते हैं, हमें उससे मतलब है। हमें इससे बिल्कुल मतलब नहीं है कि क्या कंट्रोवर्सी, लोगों को तो कुछ भी कंट्रोवर्सी। मैंने देखा अभी हाल ही में मेरे भी कुछ वीडियो को लोगों ने क्लिप किया और कंट्रोवर्शियल जो है वो थंबनेल बना दिए उसमें, ठीक है, और उन्होंने जो है जो भी किया। मैं उसको ये बोलूंगा कि बेटा दीज आर दी वेरी चीप ट्रिक्स। बहुत मुझे भी लोग कहते हैं कि सर आपके थंबनेल आप एकदम ऐसे बनाओ आपकी, मतलब कि देखते आदमी घुस जाए वीडियो में के अंदर। अरे मुझे नहीं करना ऐसा। जो जिस दिन कोई एक व्यक्ति एक वीडियो देखेगा उसके अंदर से लगेगा कि हाँ भाई इस बंदे से कुछ सीखने लायक है तो आएगा वो। उसे क्या रखा है, मतलब मैं अननेसरी की एक हाइप क्रिएट कर दूं, अननेसरी के दो लोगों को भिड़ा दूं इसका कोई मतलब नहीं है, तो आपको क्या लगता है वो दो लोग संपर्क में हो सकते हैं मेरे, वो आपने गलत कंक्लूजन निकाला हो सकता है। मैं इतना ही बोलूंगा कि शिक्षक जो है ना उसका सिर्फ एक धर्म होता है, वो होता है शिक्षा प्रदान करना। वो हिंदू भी हो सकता है, वो मुस्लिम भी हो सकता है, वो सिख भी हो सकता है, वो ईसाई भी हो सकता है, वो यहूदी हो सकता है, ठीक है, वो किसी भी रिलीजन का वो व्यक्ति हो सकता है। लेकिन यदि आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ये धर्म जात पात के मुद्दे से ऊपर उठना है। क्योंकि ये बहुत ही मतलब मुझे बड़ा दुख हुआ जानकर कि कोई व्यक्ति जो है एक कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो खान सर के ऊपर वीडियो बनाए चले जा रहे हैं और खान सर जो है वो उनको बेचारे को सफाई दे रहे हैं, सामने आना पड़ा बोलने के लिए, नहीं भी ऐसा नहीं, ये गलत है, ये चीज ऐसा था, हंसी मजाक में हमने कभी कहा था। तो यदि सामने वाले व्यक्ति को आप, तो वो चले जाएंगे यूट्यूब से, जा रहे हैं धीमे धीमे। अभी आप गौर करेंगे तो यूट्यूब से जो बड़े एजुकेटर है ना वो धीमे धीमे किनारा कर रहे हो, क्योंकि गंदगी इतनी हो रही है, क्योंकि हो ये रहा है कि लोग यहाँ पर जो है वो आए थे यहाँ पे लोगों के लिए कुछ फायदा करने के लिए। लोगों को लगता है कि एक यूट्यूबर पता नहीं भगवान जाने कितना भारी कमा लेते होंगे ये लोग की जिंदगी, नहीं ऐसा है ही नहीं है। जितना एफर्ट वो डालते हैं, जितना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उनका होता है उसकी तुलना में उनको कुछ मिलता है, उनको जो मिलता है वो मिलता है मन का संतोष कि इतने लोग मुझसे जुड़े। मैं सुबह सुबह आके रिकॉर्ड करता हूँ, मुझे लगता है कि यार कुछ हजार बच्चे ऐसे जो देखते हैं, जिनको मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट है, जो मेरा इंतजार करते हैं। तो एक अनजानी डोर बंद जाती है और उस अनजानी डोर के वायदे को निभाने के लिए यूट्यूबर भी आता है, जो टीचर है वो भी आता है, और जो देखने वाला बच्चा वो भी आता है कि भाई हमको कुछ मिलेगा आज, और टीचर वहां आके देगा कुछ, ठीक है। तो वो जो अनजानी डोर है ना उसको कई लोग जो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। धीमे धीमे माहौल ऐसा होगा कि हक के एक समय ऐसा होगा कि सिर्फ सिर्फ और सिर्फ गंदगी रह जाएगी। इसलिए अच्छे टीचर जो हैं उनका सम्मान कीजिए। मैं कहता हूं आपसे कि जो खान सर जैसे जो लोग हैं ना वो देश के हीरा है, वो मतलब ये वो लोग हैं जिनको पद्म विभूषण इस तरह की उपाधियां मिलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने उन बच्चों के लिए जिनके पास कुछ नहीं है उनके लिए ये जी। आप बताइए, मैं कह रहा हूं कि यदि कोई व्यक्ति उनको फॉलो करता है तो वो स्टेट पीएससी जैसे एग्जाम, यूपीएससी एग्जाम में कम से कम जीएस वाले हिस्से में बढ़िया करके आएगा। तो जहां तक रिलीजन की बात है तो मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं इस बात से कि खान सर का धर्म क्या है और उस पर किसी को चर्चा करना चाहिए। धर्म जो है निजी मुद्दा होता है, धारण करने योग्य को धर्म कहते हैं, वो आपका पर्सनल मैटर होता है, उनका पर्सनल मैटर है। यदि मैं डॉक्टर गीतेंद्र राव होके इंसाफुद्दीन होता, मेरा दोस्त इंसाफुद्दीन, यदि मैं होता, बदल गए होते किरदार हमारे, तो क्या मैं कुछ कमतर होता? मेरा एक दोस्त है डेविड, यदि मैं डेविड होता तो क्या मैं वो कुछ कमतर होता? मैं तो नहीं मानता। मेरा एक दोस्त है अमनदीप जो आईपीएस है, यदि वो मेरी जगह पर होता और मैं उसकी जगह पर होता तो कुछ कमतर होता क्या? नहीं होता। बात इतनी सी है, ये सब नाम है बेटा, ये सब समाज ने, लेकिन असली चीज तो आदमी के अंदर है।
अरे वही वही ने कहा ना कि वही एक डायमंड है, कोई मुकुट में लगा हुआ है, कहीं अंगूठी में लगा है, कहीं लॉकेट में लगा हुआ है, कोई कहीं लगा है, कोई कहीं किसी ने ऐसे लगा ले टाई के टाई पिन पे लगा ले डायमंड को, डायमंड तो डायमंड रहेगा, वो कहीं भी लगाओ उसका मूल्य डिफरेंट है। तो इसीलिए हमें ये इन मुद्दों से जो है वो दूर रहना चाहिए। अब ये जो मुद्दा है, मेरे को किसी ने सजेस्ट भी किया कि सर खान सर का कंट्रोवर्सी हुआ, तो मेरे को मैं तो कभी ध्यान भी नहीं दिया चीज को, फिर मैं वो लिंक खोल के देखा, कह रहे भाई कुछ तो कंट्रोवर्सी हुआ है, और मुझे मन में अच्छा नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा कि हमारा जो देश है ना, वो जिस दिशा में हम जा रहे हैं ना, जहां पे हम चीजों को लेके जा रहे हैं, वो एकदम गलत दिशा है, क्योंकि वो दिशा जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक रास्ते पर पहुंचती है, वो है विनाश, वहां हमको नहीं जाना। हमको समझना है कि देश को अच्छे शिक्षक, अच्छे वैज्ञानिक और अच्छे डॉक्टर्स की आवश्यकता है, और उनको हमें जो है हमेशा मोटिवेट करना है। एक बड़ा अच्छा, मैं आपको जो है सैपियंस का एक बड़ा अच्छा, देखो ये बुक जो है सैपियंस, कई लोग इसके बहुत विरोध में रहते हैं, क्योंकि ये सच लिखती है। इस किताब में युवाल नोआ हराने ने जितना सच लिखा है ना, मैंने इसके पहले किसी किताब में इतना सच और फैक्ट नहीं देखा। मैंने खुले दिमाग से पढ़नी पड़ेगी आपको इस बुक में। मैं कोई प्रमोटर नहीं हूं इस बुक का, कि मैं बता दूं कि ये बुक मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक है, इतनी फेवरेट बुक है कि इसका मेरे पास में एक हिंदी वर्जन है, एक इसका इंग्लिश वर्जन है, के? और मेरे घर में ऐसी कम से कम तीन चार कॉपी है। बच्चे को मैंने बोला जब छुट्टी हुआ, मैंने कहा कि तुम सेपियंस पढ़ना बेटा, ठीक है। इस बुक में वो एक पेज नंबर इंग्लिश वर्जन है, पेज नंबर 235 में लिखते हैं, द बेस्ट नोन रिलीजन ऑफ हिस्ट्री सच एज इस्लाम एंड बुद्धिज्म आर यूनिवर्सल एंड मिशनरी। तो कहते हैं दुनिया के बेहतर जो धर्म रहे इतिहास में, जो बेहतर धर्म रहे, इस्लाम हुआ, बुद्धिज्म हुआ, ये सार्वत्रिकता यूनिवर्सलिटी पर बेस्ड है और मिशनरी है, मतलब इनका मिशन यह है कि सब तक पहुंचना चाहिए, लोग जो है वो इस इनको स्वीकार करना चाहिए। कॉन्सिक्वेंटली पीपल टेंड टू बिलीव दैट ऑल रिलीजन आर लाइक देम, धीमे धीमे लोगों को यकीन होने लगा कि सभी धर्म जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो उनके समान ही है, कोई बड़ा फर्क नहीं है। इनफैक्ट द मेजोरिटी ऑफ एंशियंट रिलीजन वेयर लोकल एंड एक्सक्लूसिव, ये भी है कि कई सारे प्राचीन धर्म जो है वो स्थानीय स्तर पर पाए जाते हैं और वो विशिष्ट है, चाहे वो ट्राइबल कम्युनिटी का रिलीजन हो, किसी एक दूसरे व्यक्ति का रिलीजन हो जो उसका संबंध मिशनरी से नहीं है, वो भी जो है वो लोकल है, स्थानीय तौर पे है और एक्सक्लूसिव है। देयर फॉलोअर बिलीव इन लोकल डेटीज एंड स्पिरिट्स, उनके जो फॉलोअर हैं वो लोकल जो स्थानीय देवी देवताओं में यकीन रखते हैं, वे आत्माओं में यकीन रखते हैं, एंड हैड नो इंटरेस्ट इन कन्वर्टिंग द इंटायर ह्यूमन रेस, और उन्हें कोई चाह भी नहीं है, कोई इच्छा भी नहीं कि पूरी मानव प्रजाति को जो है किसी एक धर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए। As far as we know, universal and missionary religion begin to appear only in first millennium BC. जितना हम जानते हैं अभी कि जो universal और missionary जो एक समान सबको एक समान treat करने वाले और missionary जो जितने भी religion थे वे सब जो है वो first millennium BC में जो है वो उत्पन्न हुए, तब से वो आए हैं। Okay? Their emergence was, अब सुनिएगा बात को, ये बिल्कुल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं। Their emergence was one of the most important revolution in history. इन धर्मों का उदय इतिहास के में एक महत्वपूर्ण क्रांति के समान है, एंड मेड ए वाइटल कंट्रीब्यूशन टू द यूनिफिकेशन ऑफ ह्यूमन काइंड, और इसने एक बड़ा योगदान दिया है मानव प्रजाति के एकत्रीकरण में, इनके एक होने में। एंड मच लाइक द इमर्जेंस ऑफ यूनिवर्सल एम्पायर, और तभी बड़े बड़े सार्वत्रिक एम्पायर, बड़े बड़े साम्राज्य बन पाए और एक यूनिवर्सल मनी बन पाए, एंड यूनिवर्सल मनी और एक सार्वत्रिक पैसा बन पाया। मतलब ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि जो रिलीजन है, जो बड़े रिलीजन है, वो जब रिलीजन बने ना, तो वो बेसिकली उसका पर्पस किसी को नीचा दिखाना, किसी को डिस्ट्रॉय करना वो था ही नहीं। उसका पर्पस ये था कि पूरी मानव प्रजाति एक कोऑर्डिनेशन में काम करे, एक समान काम करे, सब लोग अपने अपने लोकल बिलीफ के चलते एक दूसरे के साथ बुरा ना करें, तो वो एक बिलीफ था। फिर धीमे धीमे लोगों ने देखा कि नहीं, ज्यादा फर्क नहीं है, हमको अपने रिलीजन में थोड़ा चेंज करना है, हम उनके इक्विवेलेंट हो जाएंगे। धीमे धीमे लोगों ने वो भी किया, तभी बड़े बड़े साम्राज्य टिके रह पाए, क्योंकि वो एक कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे थे बड़े, और यूनिवर्सल मनी चल पाया दुनिया भर में। और ये सच्चाई है, आप इसको लेके कोई भी बहस कर लीजिए, कोई भी आप उठापटक कर लीजिए, लेकिन आप पाएंगे एट द एंड ऑफ द डे दिस इज द ट्रुथ। और ट्रुथ जो है, अब आप बोलोगे ये कौन है बताने वाला, वो कौन है, हमारे यहां तो ये लिखा, हमारे यहां तो ये लिखा, अरे भाई ठीक है, अच्छी बात है, आपका बिलीफ है, ये वैज्ञानिक नजरिया है। यहां पर हम देखते हैं एक मानव प्रजाति जिसके पास कुछ नहीं था, जंगलों में घूमते थे, धीमे धीमे जो है वो अपना उन्होंने मानव सभ्यता का खेती को खोजा, विकास किया, ये सब बाद में डेवलप्ड चीजें हैं।
नियंडरथल ने पहली बार जो है देखा कि जो मरने के बाद मनुष्य को जो है वो कई लोगों को बड़ा प्रेम होता था अपने परिजनों से, मरने के बाद जो है वो परिजनों को छोड़ते नहीं थे, वो बॉडी सड़ने लगती थी, सड़ने के कारण बीमारियां होती थी, दूसरे लोग मरने लगते थे, तो नियंडरथल ने अपने कबीले में एक व्यवस्था कर दी, आदि मानव की बात कर रहा हूं, व्यवस्था कर दी, भाई जो मर जाएगा ना उसे गड़ा दफना देंगे उसको, क्यों उन्हें दफना देंगे और उसके ऊपर पत्थर रख देंगे और आप आओ वहां उससे बात कर लो कि ये ऐसा ही करना होगा। तो नियंडरथल ने ये बीमारियों से बचाने के लिए शुरू किया अपने आप को कि दूसरे समूह में बीमारी ना फैल जाए। देख लीजिए आप डिस्कवरी नेशनल ज्योग्राफिक किसी गूगल कर लीजिए आप, तो पहली बार यहां से शुरू हुआ कि एक लोग, अब लोगों ने क्या, पहले तो लोगों को यकीन नहीं था कि आत्मा भी कोई चीज होती है, जब डेड बॉडी को गड़ाया उसके ऊपर पत्थर रख दिए, फिर किसी को तो जिसको मान लो किसी से प्रेम था तो एक दो फूल ला के रख दिए ऊपर कहीं से तोड़ के ला के उसने उसको अच्छा लगा कि सुंदर दिखाना चाहिए, आइडेंटिफाई होना चाहिए, वो धीमे धीमे लोग जो है उनसे बात करने लगे, वो जो बहुत क्लोज लोग थे, लोग यकीन होने लगा कि मेरे को वो दिखा था कभी किसी ने बोला, क्योंकि जो है जो मानव ह्यूमन है, गॉसिपिंग ह्यूमन का की साइकोलॉजी का एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये सच्चाई है। अब आप इसको लेके बहस कर लीजिए कि गीतन सर ने ये बोल दिया वो बोल दिया, कुछ नहीं बेटा, दिमाग के दरवाजे खुले रखिए, मनुष्य को भी एक हम देखते हैं ना जो सामान्य दूसरे प्राणी उसी तरीके से एक हम भी हैं, तो हम जब इस तरह की बातें करते हैं ना जो बहुत बाद में इवॉल्व हुई हैं जिनका पर्पस कुछ और था आज कुछ और पर्पस हो गया है, तो वो हमारी ह्यूमन रेस को आगे बढ़ने से वो रोकता है। न कभी समुन्दर के पानी ने किसी से पूछा है कि तू तैरने आया है तू हिंदू है कि मुस्लिम है कि सिख है कि ईसाई है, न बहती हवा ने कभी किसी से पूछा है कि मैं तू जो सांस ले रहा है मैं हिंदुस्तान की हवाओं तेरे अंदर नहीं जाऊंगी तेरे या मैं पाकिस्तान की हवाओं में तेरे अंदर नहीं जाऊंगी, उसने भी नहीं पूछा है। न कभी सूरज की किरणों ने पूछा है कि तुम हिंदू हो कि मुस्लिम हो कि तुम सिख हो कि तुम ईसाई हो, आज तक किसी ने वो आपसे आपका धर्म नहीं पूछा है, ये जो पूछा है तो इंसानों ने पूछा है, जो महानतम चीजें हैं वो इन चीजों की परवाह नहीं करती है। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।